ना दे के गिफ्ट मैं पैसे बचाने वाला हूँ, नहीं मनाता इसलिए मैं वैलेंटाइंस डे, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, तुम्हें दे देगा फूल कोई भी। लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आज तो दूल्हे लग रहे हैं सर। काले कपड़े दूल्हा पहली नहीं देखे। अच्छा, शादी से पहले किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा भैया आप शादी तो करवा रहे हैं, आपका कोई कारोबार तो है नहीं? अच्छा। कहना ऐसे वास्ते तो शादी करा रहे हैं, नवे कपड़े सलामियां लबन गई। इन्होंने अपने ब्याह वाले दिन सट लवा ली। क्यों? घोड़े तो छाल मार के पैसे लुटन लगे, वाजा आया मुंह ते वाजा। अपने ब्याह ते अपने सुसर नाल लड़ रहे ने कि सारी बरात नूं रोटी मिल गई, मैनू एक भी नहीं मिली, वेख लो। मेहंदी दे ढोल वाले ने जिद ला ली, भाई तू ही सिर्फ जाना नचांगा मैं। अच्छा, वाजा बुक करन गए ने, वाजा इन्हां नूं कह रहे ने मेरी शादी ते वाजा बजाउणा, पैसे अद्धे अद्धे होणगे। अपने ब्याह ते वाजे वाले को मार खा ली, उन्हूं जाके कह रहे वड्डे वाजे वाले नूं, भाई दूरबीन किन्ने दी लई है? ब्याह तो 3 दिन पहला पूरे महल्ले च जा कहिंदे इस दिन बच्चे बाहर ना निकलन, असीं आप लुटने ने। डीजे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNA हैं और साथ ही साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल भी हैं, जनाब जमशेद थॉमस। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर सीमल रेहान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है सर, छोटे छोटे बच्चे मॉडल और MPA बन रहे हैं। मैं ये सुनने आई थी कि मैं छोटी हूँ। नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा अभी इतने छोटे छोटे। शेर लाया हूँ सर मैं आपके लिए। जी, PTI के हैं MNA ये जामे जमशेद, और पिशावर के मकी हैं ये हमारे जमशेद। वाह, इनके पहलू में जो बैठी हैं ये प्यारी सी सिमल, इतनी सी उम्र ही में बन गई हैं फैशन मॉडल। सिमल वाह वाह वाह, क्या बात। दुखों दे नाल डील करो जी, दुखों दे नाल डील करो जी, कुछ ना कुछ तब्दील करो जी, असी तुहानू वोट दिते ने, इंज ना सानू जलील करो। वाह, सख्त जगह से भी मेरे पांव फिसले, बहुत सर्दी में भी मेरे पसीने निकले, ये उजले चमकीले मखमल जैसे सियासी लोग, वास्ता पड़ा तो पत्थर के निकले। जी जमशेद साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? बस कभी कभी। अच्छा जी, तो आपको आने का ख्याल कैसे आया है? कोई आपके दोस्तों ने बताया आपको इसके बारे में? मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे, जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं उस शो में। बस शो तो जाके पास वो तो उन्होंने तुसी कहना है ना, दे खिलाफ खबर लाओ। जर्नलिस्ट ने कोई आपके पैसे तो नहीं देने थे? नहीं सर, दोस्त है बस, आपको पता। बस ये तो फिर शो के बाद पता चलेगा कैसा दोस्त है वो। अच्छा, और सीमल आपने देखा हुआ शो? जी जी, मैं मतलब रोज ही देखती हूँ, और अगर ना देख रही हूँ तो हम करते ही नहीं है। ओहो, मतलब जब भी करते हैं सर, टेलीकास्ट भी होता है। मामा बाबा बहुत फॉलो करते हैं। मामा बाबा फॉलो करते हैं तो मेरा रूम साथ ही है, तो मुझे सारी आवाजें आ रही होती हैं। मैं पूछ रही हूँ अभी कौन सा गाना लगा है, मामा आज कौन आई है, तो मतलब मैं बहुत अच्छा फॉलो करती हूँ। और साडे प्रोग्राम जो 7-8 गाने दे होंदे ही है ना। हां बिल्कुल, गीत माला तो हम चलाते ही हैं। तो आप हमें आवाजों से पहचानती हैं? नहीं नहीं, आपको तो मैं पहचानती हूँ, मैंने मूवीज भी देखी हुई है बड़ी। वो कौन सी? जवानी फिरनिया। अच्छा, और तीनों को मैं ये इफ्तिखार ठाकुर साहब का तो मैं वो देखती थी, इनका वो एक शो था मैं जुलिया इंग्लैंड, तब से मैं देखती हूँ। अच्छा, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा। और आपने इनको भी देखा हुआ है? आपको शो के स्पॉटलाइट में आने का है ना, मेरे पे चले गए हैं बिल्कुल। आपने इनका भी देखा हुआ है कोई काम वगैरह? इनको मुजाकरात में देखा। इनको मुजाकरात में देखा, और क्या देखा आपने इनको? ये बड़े ना वो रिश्तों आंटी बनी होते हैं, क्या आपने लड़का ढूंढ लिया? रिश्तों आंटी, अच्छा एक नया है, रिश्ता आंटी तो सुना था, रिश्तों आंटी जो है रिश्तों आंटी, एक क्यूटर वर्जन। मैटर करो ना, रिश्ता आंदा
अगर ज्यादा बढ़ जाओ फिर रिश्ता हो जाता है। मगर वैसे आपको सर लगते हैं ये रिश्तों आंटी? ये तो मुझे कुछ और लगता है लेकिन मैं कह नहीं सकता। क्यों? जूती दी कसम कहो तो। नहीं मगर आप नहीं, ये सारे बड़े खान साहब लोग हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ। खान साहब लोग हैं? नहीं नहीं बात सुने, एक आप लोगों को खान साहब की आदत पड़ी हुई, सब खान नहीं है। सर मैं अपना जुमला कम्प्लीट, मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे अमानुल्लाह साहब को। अच्छा, वो भी एक टाइम में यहाँ पे बैठते थे बिल्कुल, और काफी चार चांद लगाते थे। सर ये काम अपना है तो खान साहब का, माशाल्लाह हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जट्टा दे राणा दे मुंडे सारे खराब हुए पे। वैसे ये बताएं सर, आपको कोई शौक है फरून लतीफा का? As such कोई नहीं, कभी नहीं रहा? No. कोई किताब पढ़ना, कोई पोएट्री, म्यूजिक, फिल्म, ड्रामा? सर मैंने जब अपनी स्टडी कंप्लीट की तो फौरन मुझे शुक्र है अल्लाह का जॉब मिल गई, ठीक है, बड़ी अच्छी, शुक्र, यूएन में। फिर मैं बीच में दो तीन दफा बाहर इंटरनेशनल मिशंस पे भी गया, ठीक है। इबोला एक एपिडेमिक थी 2015 में, हाँ। वहाँ पे कीनिया में मैंने फिर काम किया, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट के तौर पे, ठीक है। तो कभी इतना टाइम ही नहीं मिला, यूएन में इतनी मसरूफियत रहती। सर मगर अब तो सब कुछ ये फोन वोन के अंदर आ गया, तो अभी कभी भी नहीं मिलता जमशेद, ये कैसे हो सकता है? सर हमारे इतने ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, हाँ। उन्हीं को हम पूरा कर लें तो बड़ी बात है। अच्छा, यानी कि कोई मौसीकी से कोई है ही नहीं? नहीं मौसीकी, मौसीकी तो मुझे तो मैं तो एक टाइम में हारमोनियम भी बजाता रहा हूँ। नहीं मगर नहीं देखे ना, निकल रहा है अंदर से। क्वायर का मेंबर था ना तो। अच्छा, तो यानी कि हारमोनियम आप प्ले कर लेते हैं? अब पता नहीं, अब नहीं मगर यू हैव बीन प्लेइंग इट। जी जी हाँ, मैंने पहले तो प्ले करते रहे ना, सो मौसीकी से लगाओ तो निकल आया ना आपका। तो यही तो मैं पूछ रहा था कि कुछ कैसे हो सकता है कि बिल्कुल ही इंसान इतना रूखा सूखा के कुछ करता ही नहीं, एक यंग आदमी, और वो आगे से बिल्कुल कह रहा है कि जी मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है मैं। सर हारमोनियम बजाते होंगे सीधे फिर छोड़ देता? क्यों? वो ज्यादा बजाया तो हाथ बाजे च आ गया। पुरानी यादें ना कराओ। तो ये यानी करते रहते आपको है? आप तो वैसे तो खैर आप इन्फ्लुएंसर और मॉडल भी हैं, आपको क्या शौक है? मैं शेफ बन रही हूँ। शेफ बन रही हूँ? मैं कुकिंग वगैरह बहुत शौक से करती हूँ। अच्छा, मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, लेकिन उर्दू नॉवेल्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और इस तरह आपने कहा कि आप शेफ बन रही हैं और आप उर्दू नॉवेल पढ़ती हैं, कौन है आपके फेवरेट? फरहत इश्तियाक आपकी फेवरेट ऑथर? उमैरा अहमद। अच्छा, दोनों फरहत इश्तियाक और उमैरा अहमद आपके फेवरेट ऑथर्स हैं? बहुत ज्यादा। तो किस किस्म के नॉवेल्स आप इन्हीं के सिर्फ पढ़ती हैं या कोई और भी? नहीं, इन्हीं के ज्यादा, निमरा अहमद है और भी बहुत सारी हैं, समीरा है, बहुत सारी हैं, सारों के पढ़ती हूँ, पर ज्यादा शौक से, मतलब फॉलो जो किया हुआ है इन दोनों को किया, ठीक है। और आप साथ कुकिंग भी सीख रही हैं? कुकिंग भी। तो क्या आपको बनाने का शौक है? मैं बहुत सारी क्यूजीन्स बना लेती हूँ, फ्रेंच, इटालियन, मैक्सिकन। ओए दो तीन फ्रेंच क्यूजीन्स के नाम बताइए जरा। फ्रेंच में आते हैं टैकोज आते हैं और फ्रेंच टोस्ट आते हैं। उस दिन मेरा एग्जाम था तो मैंने फ्रेंच टोस्ट डिजर्ट में बनाया। देखिए फ्रेंच टोस्ट तो हम भी बना लेंगे, कोई मुश्किल चीज बताइए। आप रेसिपी बताएं फ्रेंच टोस्ट की। नहीं मतलब ये कि वो जैसा भी होगा आप बना लेते हैं, कोई मुश्किल सी कोई चीज बताएं ना जो। मुश्किल तो नाम मुझे खुद इतनी मुश्किल से याद, लेकिन फ्रेंच टोस्ट अल्लाह माफ करे किसी नु ना निकलन, मेरे मेरे दादाजी नु निकले सन। वो चिकन पॉक्स होते हैं। अच्छा, तो यानी कि आप फ्रेंच बना लेती हैं और इटालियन भी बना लेती हैं? इटालियन, मैक्सिकन, मतलब मिक्स क्यूजीन, सारी जो जो मुझे सिखाया जाता है। मैं पढ़ रही हूँ, मैं प्रोफेशनल डिग्री कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको कोई खास कोई ये बड़ा? मैं और मामा होती थी, मैं सिंगल चाइल्ड थी उस वक्त, एक ही मामा की बेटी थी, तो मामा बड़े बहुत शौक था मामा को, उनको कुकिंग का बहुत शौक था, तो वो पतीलों में और इस तरह जब हमें पिज्जा की ऑथेंटिक रेसिपी नहीं आती थी तो मैं उनको देख देख के फिर फॉलो किया। लेकिन बहुत शौक। सर आपको खाने का शौक है या खिलाने का या क्या? मैं कुकिंग करता हूँ थोड़ी। आप भी करते हैं? आप क्या बनाते हैं? मैं गोश्त बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। अरे वाह, शिनवारी बना लेते होंगे? शिनवारी। अच्छा, और कुछ पूछे आप प्लीज? वो क्योंकि पेशावर के हैं ना, शिनवारी। और बताइए ना, पूछे पूछे क्या? और वो बनाते हैं दम पोख बनाते हैं। चलो बस तुसी दो मिनट आराम करो, उसी जरा गाते हैं। नहीं दो नहीं, आप पांच मिनट करें। जी जी, तो दम पोख तक बात पहुंची। शोला उनकी होती है, ये सब चीजें। शोला भी बना लेते हैं आप? शोला नहीं आता, कभी ट्राई नहीं किया। तो फिर आप एम ही हाँ कर ही जा रहे हैं? आपने कहा हाँ? जी जी, नहीं मैंने, आई डिडंट से। उन्होंने कहा ना जी जी, देखे वो देखे उनको ही पता, मैं अकेला नहीं। अच्छा, शोला नहीं आपको बनाना आता, ठीक है। बड़ी मंत्र वालियां हांडियां पकाउंदे, दम पुख्त कड़िंगा, दम पुख्त कड़िंगा, कुछ इन्होंने नाम ले ला के चले जाना, सानू भूख लग जानी।
नहीं मगर यार एक मिनट रुको यार, ये पहली बार हो रहा है कि गेस्ट जो है वो कुकिंग के शौकीन निकले मेरे। तो अच्छा, तो यानी कि दम पुख्ता बना लेते हैं, नमकीन गोश्त बना लेते हैं, उसको शिनवारी कहते हैं। अच्छा जी, उसको शिनवारी कहते हैं, आपको पता था? पता होगा, पता है आप शिनवारी अलग है, नमकीन गोश्त। यार बात सुनो, अलग अलग। चुप करके यार, प्लेटा ले आके छो, तुम प्लेटा ले आओ, मेरे को अपना पतीला है। प्यार दिया जाएगा, भूत सर से मेरे उतार दिया जाएगा, हर शहर में वो बनाने लगे लंगर खाने, हम समझते थे रोजगार दिया जाएगा, काम घर के लिए जाएंगे जिसमें सारा दिन, छह दिनों बाद वो इतवार दिया जाएगा, हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जमशेद साहब, कोई आपने कॉलेज के जमाने में कभी किया कोई ड्रामा वगैरह में एक्टिंग, कोई होता है कॉलेज थिएटर के अंदर? नहीं। अच्छा, कोई वैसे शौक है आपको? मैं ज्यादा होस्टिंग करता था, जो होस्टिंग करते थे आप। अच्छा, तो यानी अब शौक है करने का? कभी कभी देख के किसी को नहीं हुआ? इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओए होए, आपको कोई शौक नहीं? एक्टिंग मुझे भी बहुत मुश्किल लगती है, मुझे एक्टिंग नहीं होती। अच्छा, इसीलिए तो आप कुकिंग करती है ना? लेकिन मैं नाराज हूं सिमला, मुझे आपके लिए कुछ बना के लाना। नहीं, मेरे लिए आपने मुंह बनाया और क्या बनाऊंगा। लेकिन इतनी माशाल्लाह तैयारी की आपने, इतनी प्यारी हैं आप। इतना असर ही हूं मैं आपकी बातों पे, वरना यहां वो बैठी होती हैं, आपको इतने ज्यादा ज्यादा। नहीं, इतना प्यारा मुंह बनाया मैंने, कहा माशाल्लाह, मेकअप भी इतना नहीं किया, कितनी प्यारी लग रही। लेकिन मैं नाराज हूं, आपने इतनी जल्दी मंगनी क्यों करवाई? मैं मुझे नहीं पता कौन सी मंगनी मेरी, कोई मंग, मैं अभी बहुत छोटी हूं। क्या बात, जूती वाले डब्बे जाए जो तुझे थे, जूती वाले डब्बे नहीं आए, नहीं हुई करने, नहीं हुई। हां तो कब, माशाल्लाह एज तो होगी है, तो क्या सोचा है? कौन सी एज आपको मैं लग रही हूं? मेरी एज होगी है आपकी 19-20 साल तो होगी ना माशाल्लाह। अभी नहीं है वो शादी वादी वाली, नहीं अभी, मैंने बहुत पढ़ना चढ़ना आगे वगैरह पढ़ना, क्यों साड़ियां किताबें भी पढ़ जानी है जो आपने नहीं पढ़ी वो मैं पढ़ूंगी ना। अच्छा, जब आपने तालीम मुकम्मल कर ली तो फिर तो कुछ सोचा होगा ना, कोई आइडियल? तो कुछ भी नहीं सोचा, मेरे मामा पापा सोचेंगे, हर कुड़ी के मामा पापा ही सोचते ने। लेकिन फिर भी कुछ सोचे तो होगा ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। यकीन करो, मैं अपने बारे नहीं पूछ रहे हैं। चल यार, जरूर। मैं, मेरे कजन आया अमेरिका, तो मैं उसके बारे पूछ रहे हैं सामने। कैसे आपके कजन नहीं लग रहे? क्यों? क्यों, आप खुद देख ले, ये मेरा बचपन तो कजन है। नहीं मगर वैसे ये एक्चुअली इनके कजन हैं। ऐसा कोई लड़का लगता है इनके दूर के कजन है, इसलिए वो नहीं लगते, दूर दूर रहते हैं। बताते हैं उनको, आप उसको ऐसे चैन नहीं आएगा, बताते हैं कि कुछ तो सोचा होगा ना? नहीं, असल में कुछ भी नहीं सोचा हुआ, मैं छोटी हूँ। देखिए, आपने खुद ही आते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चे हो। तुसी कुछ गल करो ऋतिक रोशन साहब। नहीं कोई गल करो तुसी, सर देखो ना MLA हो गए थे, वो दस नहीं दे। अच्छा, मैं एक बात करूँ, आप कह रही हैं आपने कुछ भी नहीं सोचा हुआ, तो फिर आपकी तो किसी बुरे इंसान से भी हो जाएगी, आप एडजस्ट कर लोगे? क्योंकि आप नहीं, कुछ नहीं, बुरे से तो नहीं। आगे ना बात, कुछ तो सोचा है। अब मैं हर वक्त कैसे प्रिया साहब वाले हाथ तो नहीं देखती ना, हर वक्त सोचती रहूंगा ये हो ऐसा हो। क्या अच्छा होना चाहिए आपके शोहर में? बस अच्छा होना। नहीं, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर, पर्सनालिटी अच्छी हो, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। किस फील्ड से रिलेटेड हो? बिजनेसमैन ना हो, कोई पॉलिटिशियन ना हो। ठीक है, तो क्या आपके ख्याल में? मैं रोड के चला जाऊं। इतनी देर में वो नहीं उठ के गया तो आप भी ना उठ के। अच्छा, तो आपने कहा कि बिजनेसमैन ना हो और पॉलिटिशियन ना हो, तो क्या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो? कुछ भी, यानी कि कैसा डॉक्टर हो के जुगते मारता हो वो? सेंस ऑफ ह्यूमर वाला डॉक्टर। सही बात, मसलन आए जाके मैं कह रहा हूं आपका चेहरा ऐसा जैसे डिस्प्रीन है, इस तरह का नजर डॉक्टर वाली है, जुगता डॉक्टर वाली है। आपकी शादी हुई है? जी। अच्छा, कब से? मैं 2012 में। अच्छी पसंद की शादी थी या फैमिली अरेंज? फैमिली अरेंज। और माशाल्लाह छोटे जगह के बिल्ली दे बैठ के बरात लेके गए। इतने भी छोटे नहीं है। अच्छा, अच्छा, और आप कोई मशवरा देना चाहेंगे उनको, इनको शादी के हवाले से? हाँ जी। नहीं सर, उनको और आप किस हवाले से देंगे? मेरी पढ़ाई के बारे में बात। हेल्थ कार्ड बनवाने से तो बोल रही PTA वालों से तो मशवरा ही मांगो, हम आपको हेल्थ कार्ड बनवा देते हैं। आप जो टॉपिक है उसी के मुताबिक उनको दीजिए। PTA वालों को कुछ करने का ना बोलेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ओए होए, अच्छा जी। केपी में सर देखे जो लैंडमार्क अचीव किया है। कौन से केपी में? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दी है हमने। एक बात हेल्थ पे आ गई ना, उसके अलावा कुछ बताएं? वो डॉक्टर उनको चाहिए? नहीं, मुझे कोई डॉक्टर नहीं, उनको हेल्थ की जरूरत नहीं है, वो उनकी सॉर्टेड है वहां से। मशवरा वैसे बताएं कि उनको करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? पहले अपने गोल्स अचीव कर लें। गोल्स अचीव करें, ये बात होती है करने वाली। गोल्स अचीव करके लव करनी चाहिए कि अरेंज करनी चाहिए? हो सकता है उस
प्रोसेस में इनको कोई ऐसा बंदा मिल जाए। इन्हों की शादी हो ही नहीं सकती। क्यों? नकाह खान साहब ने कहना आपको कबूल है, इन्होंने कहना नहीं अभी तो मैं बच्ची हूँ। वो मसला बन जाना सर, छोड़ दो तुसी शादी में। जो आप ही कर रहे हैं आपकी होगी है, सारों की हो जाएगी आराम से। मेरी तो वो नहीं ना रही है, तो आपकी गाड़ी यकीनन भसी होगी। आप फ्रस्ट्रेशन यहाँ जो सारों में निकालते हैं। शादी नहीं हुई वैसे। शादी मेरी हुई नहीं, मेरी बर्बादी होगी शादी नहीं। चले छोड़े बात को, उन्होंने नहीं करी। आओ चीमा साहब तुसी आओ। चट्टा साहब आप करिए। Good, are you? You know, I am really very happy today. How come? Sunday night, I had a big show in Gulburg. Gulburg? Yes. And I was appreciate very happy. They give me a lot of money. My song is super. Live kajran ali yari te tute ge churak karike. O balle balle bhai tute ge churak karike. Pesos. So could you please give me 15,000? मेरा कारोबार चल जाएगा, मैं तो तेरी शादी मुफ्त करावांगा। मेरी तो रहने दें आप, मगर मेरे पास नहीं है अभी। So what should I do? मैं उन्हें प्रॉमिस करके आया, मैं कि चौधरी वाशिंग मशीन। किन्हें चाहिए मेरे यार नो, किन्हें चाहिए पैसे? 15,000. तुसी मेरे पार्टनर बन जाओगे? ठीक है, नहीं जी मैं नहीं बन सकता। जिससे तो पीटीआई गए? यार जी। पीटीआई गए जी, मैं गलती यकीन ही नहीं करता। क्यों? आप तो बिस्कुट खा देने। तुम्हें हो सकता है पैसे दे दे। बिल्कुल। इन्होंने किया? ट्राई कर लो ना। ओके 15,000 मेरे को लो बेटे, मेरा कारोबार चल जाएगा। इमरान खान साहब नु पहलियां मैं बरियां दुआवा देना, क्योंकि वो तब्दीली ले आए ने इत्थे किधर। बट मैं तो नहीं हले तक देखी इन लास्ट 2 इयर्स ज्यादा होनी। इमरान मेरी जान ओ बन गया नवा पाकिस्तान। Thank you, sir. You are great man. Pabi nu vi ko kavo 150 de. Oh my God. तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, और जब से इनकी हुकूमत आई है हम बिल्कुल खाली हैं। हेलो, ये अलग मेहमान आई हैं। नहीं बाजी और ने? जी जी। बाजी नु मैं किधर देखे है, इन्हां दी एक बिलबोर्ड ते फोटो आंदी। अच्छा। I think so last month I went to the Islamabad. हां जी हां जी। ओथे इन्हां दी बड़ी वड्डी फोटो लगी सी। अच्छा। जीते ने? नहीं। ओ शी लुक्स लाइक अ बिग मॉडल। देऊं कोई शॉप या आपको पैसे मिल गए हैं ना? यस। अब जाएं, दे दिया उन्होंने। सिंगर वेलो तलवार ना नाला पाया हुंदा ते आपने आप नु वेख जिवें कुकर जबा कीता हुंदा अपने आप नु मोट के मुंह देते मनुष मुंह। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। सीमा ये बताएं, मैंने भी नोट किया कि आप कह रही थी कि पीटीआई वालों से तो मैं बिल्कुल बात पे यकीन नहीं, नहीं रखती। बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे बाहर बता दी थी कि मैं नून लीग की हूँ तो मेरे साथ लड़ना नहीं है। अच्छा। मैंने कहा मैं बहुत खिलाफ हूँ पीटीआई वालों की, अगर मैंने कोई ज्यादा ऑफेंसिव बात कर दी तो फिर आपने ना घबराना नहीं है। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आप हालात देखे ना, इन्होंने क्या हमारा हशर खराब कर दिया है, ना कोई तब्दीली लाए। बस कहते थे 5-6 वादे हैं मेरे, मैं पूरे करूंगा, नहीं किया तो मुझे 1-2 महीने में आपने उतार देना, मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा। तो क्या किया उन्होंने? कहा कंटेनर से उतार देना। कितने वादे, महंगाई नहीं होगी, ये वो। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब किस तरह आके चढ़ चढ़ के कहते थे इस्तीफा दो, इधर इस्तीफा दो है कि महंगाई हो गई, अब ये हो गया। अब खुद हमारा क्या हाल किया हुआ है, आपका केपी के इतना खराब हुआ हुआ है, मैं बता नहीं सकती। मैं सवाद गई थी। अच्छा। जब फिर जब इनकी हुकूमत थी तो हमने कहा जरा रोड वगैरह बन गए होंगे सब, वो इतना जो बड़के जो मारते थे जब हम गए तो वो उससे भी बुरे हालात। इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता। कब गए थे?
मुझे साल हुआ है, मैं साल हुआ है अभी। अब आप ये ना कहना कि एक साल ही सब हो गया है। आपको देख के एक बात कहूं, यू आर सो इनोसेंट कि आपने अपने आप को इस तरह अपडेट रखा हुआ है, एंड जितनी आपकी इंफॉर्मेशन है सारी गलत है। आप जाएं स्वाद मोटर पे, देखें सर आपको हुआ है एक दफा, गया हूं सर वहां पे जो टर्नल्स बनी है, मैं कहता हूं आप सिर्फ उस रोड पे चले जाओ, मोटर पे बात वगैरह की नहीं है ना। अब तो देखिए, इमरान खान कहता था कि मुझे बना दें आप प्राइम मिनिस्टर, और मैं पूरा वो क्या करेगा, ढाई साल उसको पूरी जिंदगी दे दें। वो कह रही है आप तो पति मासियां क्या लड़ रही है, वो कह रही है आप पूरी जिंदगी दे दें। मुझे मैं बस एक बात कहूंगी कि शुक्र है मेरे दिल पे ये रिग्रेट नहीं है कि मैंने पीटीआई जैसी हुकूमत को वोट दिया था, कि ऐसे जो हालात है ना इनको देख के आपको खुद दिल में रिग्रेट होता है। नवाज शरीफ को हाई कोर्ट ने क्यों सजा दी? मैं तो नवाज शरीफ को, और उसका प्रूफ भी नहीं हुआ। जी प्रूफ भी नहीं, ये उन्होंने वकील बता, और मैं ए पॉलिटिकल हूं, अब मैं ये नहीं कह रही कि नवाज शरीफ को हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है ना। आप पीटीआई का बताएं कि वो कैसे, उसने क्या किया। नट शेल में बताऊं, बताएं जी, जब हमें हुकूमत मिली हमारे पास सिर्फ दो हफ्ते के फॉरेन रिजर्व, इमरान खान ना होता तो आवर कंट्री, आवर कंट्री वाज लिटरली सिंकिंग एट दैट टाइम। ये तो ट्रस्ट था हमारी जो फ्रेंड्स कंट्रीज हैं, जिस तरह कतर है, यूएई है, चाइना है, जिन्होंने हमारी उस वक्त मदद की, अदरवाइज तो आप पे सैंक्शंस लगने वाली थी, आपको इतना पता है। और अभी देखें आप खजाने के, आप मुझे बताएं महंगाई हुई है कि नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं नहीं, पहले महंगाई हुई क्यों है, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आपने अपने दौर में मस्नूई तरीके से डॉलर को ऊपर जाने नहीं दिया कभी, ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से जब हमारी हुकूमत आई तो बेड़ा ही गर्क हो गया। सिमर, आपने कहा कि ये मसाइल ये पहले नवाज शरीफ साहब को कहते थे, ठीक है, अब ये लोग खुद अंदर आए और आपके मुताबिक उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहती हैं कि ये किस तरह इस्लाह करें। पहले तो महंगाई कम करें, महंगाई कम करें, ठीक है, ठीक है, आम आदमी के लिए जिंदगी आसान कर दें, और हमारे लिए भी कर दें, सबके लिए कर दें, ठीक है, और इस तरह के काम मुल्क का करवाएं। वो उसको कहते थे कि तुम मेट्रो बनाई जा रहे हो, ये करो। मैं लाहौर आई, लाहौर जब नवाज शरीफ का दौर था इस कदर प्यारा था, और अभी आप उसका हशर देखें, हर जगह कूड़ा। लाहौर प्यारा नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल भी प्यारा। अच्छा, अभी भी प्यारा है? नून की हुकूमत थी तो प्यारा लगता है, प्यारा था। नून की हुकूमत नहीं रहती तो लाहौर प्यारा नहीं लग रहा होता। प्यारा नहीं लग रहा, प्यारा क्या, कोई काम करवाएंगे तो प्यारा होगा। गंदगी थोड़ी फैली हुई, गंदगी वैसे ही तो है, ये है, बल्कि मैंने खुद भी ये फील किया है जब से मैं लाहौर आया हूँ। तो ये क्या, अब ये देखें इसका अब क्या करना है? अभी देखें, ये हमारा जो वासा है इसमें, हमारा इसमें कोई वासा नहीं चलता। अमरीका तो आ रहे हैं। अच्छा। बड़ी ठंड सी यार, ईमान से साढ़े ते इतने ठंड ही कोई नहीं, फिर भी लंडा धड़ धड़ देख रहे हैं, उतने बड़ी ठंड है। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की कॉल आई है अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा। मैंनू कहंदे ने कम टू मी बिकॉज़ आई एम वेला। ओके। या कडेवर यूएफओ। ओए होए होए। मेरे बच्चे ने अपना बनाया, आईटी दे विच इंजीनियर है ने मेरा बड़ा बेटा। अच्छा। उन्हें अपना यूएफओ बनाया। बह के ते गया पी यूएसए। ते अगो मैं घर गया ते ताला लगा है। मैं क्यों मेरे नाल फराड कीता ने? मैं कीती है फिर व्हाट्सएप ते कॉल। व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप। आओ ते मैं कॉल कीती है। मैं कह सर वेयर आर यू? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਬੈਠਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਦੋ ਕਾਫੀਆਂ ਪੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਕਾਫੀਆਂ ਪੀ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਲਵ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਰ ਥਾ। ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਡਾਰਵਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਰਵਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਰ ਥਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਕੀ ਇਰਤਕਾਈ ਅਮਲ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ,
पहले इंसान बंदर था। मैं क्या सर मेरी गल सुनो, असि नहीं इस गल ते यकीन कर दे भी डार्विन होएगा ते अपने घर होएगा। बिल्कुल कहंदे ने नहीं ये सच है। अच्छा मैं क्या अगर ये सच है तो आप बंदर इंसान क्यों नहीं बनता। कहंदे ने पुत्र हुण ओह खुराक ही नहीं रही। सारी दुनिया च थाने गया मुजरम नूं अपनी वर्दी पवाई। मैं इहनूं वर्दी क्यों पवाई? कहिंदा उहदा काटन दा सूट मैं पाया। यार मैं शादी ते जाना सी ते घर नहीं सी मैं जा सकदा। देखो हुण तुसीं इहनां सारिआं तों सीनियर हो, की कर लिया तुसीं? आज प्रोग्राम चुप है, कोई नहीं चल रहा? नहीं बैठे हैं मेहमान। कदों से बैठे ने? आप बोलना बंद करेंगे तो हम बोलेंगे। नहीं माशाल्लाह ये तो बड़े अरसे से बैठे ने, गए नहीं? नहीं पहली बारी मैं देखे। ये तो अपन बड़े मेरे अच्छे दोस्त है। अच्छा अपना नासर जमशेद साहब नहीं है, अपना जमशेद थॉमस साहब। यस मैं इन्हां दी बड़ी रिस्पेक्ट करना दिलों पर चुकी हूं। क्यों? क्योंकि ये ना जी बड़े लोगों की खिदमत करते हैं। अच्छा इन्होंने बल्कि कोर्स ही किया कि इंसानियत की खिदमत। पेशावर मैं कभी कभी जाता सा, मैं जानती इन्होंने पूछना रोटी, मैं कहना जी खा के आए अगू चुप। दम पुख्त कड़िंगा उदो कि पूरे पाकिस्तान जिन्ने भी सूबे तरक्की कर रहे हैं सब तो तेज केड़ा सूबा जा रहा है? मैं थोड़े को इलेक्शन हो फिर पता लगेगा भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्यों सर? समझते ने वेख के लगता है इंसान पहले गंडोया। ये अपना मैडम जी जी सिमल साहिबा ऐसे इस्लामाबाद विच नंबर वन मॉडल ने। अच्छा अच्छा किथे? इस्लामाबाद विच। मींस के थोड़ा दिमाग काम कर रहे हैं कि नहीं? अभी वन फोटो प्लीज सर। माशाल्लाह ये किधर गया मैडम? मैडम तो माशाल्लाह मेरे तो नहीं सुनने ने। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। चांद पर जाने के लिए स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, दो सीट्स हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आमिर लियाकत साहब और फैसल वाडा। फैसल वाडा। फैसल वाडा को चांद पर छोड़ना चाहते हैं ये। एक लिफ्ट में एंटर हुए, आप तीन लोग मौजूद थे, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी, शेरयार आफरीदी और मुराद सईद। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? फवाद चौधरी साहब के साथ। स्माइल किसको दे रहे हैं? शेरयार साहब। और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? मुराद सईद। ये बताइए सर टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास आपके पास है, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सीमल। ओए होए सीमल को ले जाएं। क्या बात। और सही तरह स्टोरी सुना भी देंगे आगे के केंज वजह से। डूबती कश्ती में सवार हैं आप, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब महमूद खान और परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब। ओह बड़ा क्लीन और स्ट्रेट आंसर। जी सीमल तैयार हैं आप? जी। लिफ्ट में एंटर हुई हैं, आप तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं
जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के साथ सेल्फी लूंगी। नहीं आगे नाम तो सुन लें। पर ले लूंगी ना। क्या बात है। और फॉरवर्ड पे लगे हुए नहीं। जनाब शहबाज शरीफ। जनाब हमजा शहबाज। इनका भी डिसाइड करना है या पहले आगे नाम लूं? स्माइल कर दूंगी। इनको स्माइल कर देंगे। और तीसरा नाम है मियां नवाज शरीफ। चेंज कर दूं अब? आपकी मर्जी। सेल्फी लूंगी नवाज शरीफ के साथ। ठीक है। और स्माइल करूंगी शहबाज शरीफ को। और फ्लोर आ गया है हमजा शहबाज। और ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जमशेद थॉमस और जनाब अगले जनाब ही गायब हो गए, वो डूब गए हैं। अगले जनाब डूब गए हैं। आप नाम नहीं ले रहे? नहीं आप बताएं तो मैं। नहीं ना डुबोए, नाम आप खत्म करें बात। नहीं नहीं नाम बता दें। जमशेद। अच्छा राणा सनाउल्ला। इनको दे दूंगी। ओहो कैसा मैचिंग आज तक काम आ गई थाडे। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो सीमा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर आ जाएं फिर।